सत श्री अकाल, वेलकम सारा का जी साडे एमकैन इमीग्रेशन के यूट्यूब चैनल के उपर। मेरा नाम प्रीतिपाल सिंह गिल। अज इस वीडियो मेन गल करांगे आपां क्यूबिक दे कॉलेज नूं लैके, उत्थे दे रिजल्ट्स क्यों डिलेड ने। स्टूडेंट्स बार बार इहदी क्वेरी करदे ने। मैं लास्ट वीडियो में कही सी गल कि मैं क्यूबिक की गल करूँगा। इस वीडियो के खास तौर पर थोड़ा ट्रैवल प्लैन बारे भी गल करूँगा और नाल दी नाल मैं जिहड़ा पेमेंट लिंक आउंदा वा जिहड़े बच्चों की पासपोर्ट सबमिशन होनी है VFS नूं, उहदे बारे भी थोड़ी जी गल करूँगा। काफ़ी समय बाद मैं हुण कैनेडा तो वापस आया वा, तो अगर तुसी कोई आपदी मेरे नाल मीटिंग करना चाहते हो, चाहे स्टूडेंट आ, कोई ओपन वर्क परमिट आ, या कोई होर कैटेगरी का कोई लोग हैगे ने, तो जरूर तुसी जलंधर ऑफिस के हुण अपॉइंटमेंट बना के मैनू आके फेस टू फेस मिल सकते हो, मंडे टू फ्राइडे। बाकी हुण आपां इस वीडियो गल करते हैं क्यूबिक के कॉलेज नूं लैके। क्यूबिक के कॉलेज के रिजल्ट काफ़ी डिलेड ने, जो रिजल्ट आ भी रहे ने वो बहुत स्लो ने, एक या दो रिजल्ट ही आते हैं हार्डली। ये हम स्टूडेंट्स की मेन क्वेरी सी कि एक तो जो कॉलेज सस्पेंड हुए उन्होंने लैके, दूसरा कि प्राइवेट तो गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ डिफरेंस आ। देखो मैं क्लीयर कर देव कि प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का कोई डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट लैके भी कोई डिफरेंस नहीं। ये नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज के रिजल्ट तेजी न आ रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज के रिजल्ट रुके हुए हैं, या इमीग्रेशन कैनेडा कोई ये थोड़े ना कोई डिफरेंस करती है, इदा का कुछ नहीं है। ओवरऑल रिजल्ट रुके हुए हैं, दो वजह है ने, मैं डिस्कस कर रहा दोनों वजह। पहला तो जो 10 कॉलेज जिन्हों का जिन्हें क्वेरी मार्क हुई सी मिफी वालों, जी क्यूबिक की ऑर्गनाइजेशन आ, उन्होंने सी कोई सस्पेंशन का लिफ्ट कर दिया गया, पर उन्होंने क्वेरी हले भी चल रही है, उन्होंने ऑडिट चल रहा वा। वो ऑडिट इस महीने के एंड तक टेंटेटिवली खत्म हो जाऊगा, तो उन्होंने कॉलेजों के रिजल्ट भी तुम आते हुए देखोगे, बट नॉट वेरी सून। मैं लगता वा कि बाय नैक्सट मंथ या एंड ऑफ दिस मंथ या बाय नैक्सट मंथ उन्होंने रिजल्ट आते हुए जरूर देखोगे तुम, अगर क्वेरी सारा कुछ ठीक रहा वा। दूसरी बड़ी न्यूज़ CDI कॉलेज में लैके सी, जी एक दिन पहले ही आई है, उत्थे CDI कॉलेज ने आपका इंटरनल ऑडिट कराया वा, जिदे विच उन्होंने एक एक्स जज ने एक कोर्ट के क्यूबिक के कोर्ट के उन्हों तो कराया, जिससे उन्होंने कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं पाई क्यूबिक कॉलेज के ऑडिट के विच, तो उन्होंने वो ऑडिट की कॉपी इमीग्रेशन कैनेडा में भी सबमिट कर दिती है। तो मैं उम्मीद है कि CDI कॉलेज के बच्चे जो बड़े ईगरली वेट कर रहे हैं, साढ़े भी बहुत सारे बच्चे है, उन्होंने रिजल्ट अगले 2 हफ्तों के बाद जरूर आते हुए नज़र आते देखने को मिलने। आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि यही एक बड़ा मेजर अड़का सीगा। तो बाकी जिहड़े कॉलेज जिन्हां ते ऑडिट दी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लाइक मैं दस्सिया कि उन्होंने भी ऑडिट मोस्ट प्रोबेबली बाय एंड ऑफ दिस मंथ खत्म हो जाना वा, उन्होंने रिजल्ट भी तुम उस तो बाद आते हुए आपको नज़र आएंगे। बाकी दूसरी वजह जी मैनू लगती है, हालांकि असी इमीग्रेशन कैनेडा तो बड़ी बार इस बात की क्वेरी की है, साड़ी ऑर्गनाइजेशन ICCRC की रेगुलर मीटिंग होंगी है हर 2 या 3 हफ्तों बाद इमीग्रेशन कैनेडा ना, जिते असी क्वेश्चन पोज अप किया। इमीग्रेशन कैनेडा कदे भी कोई डेफिनेट आंसर नहीं देंदी हैगी, ये गल तां तुसीं तुहानू मैं क्लैरीफाई कर देवां कि सिर्फ इमीग्रेशन के मिनिस्टर ने, उन्होंने पता हुंदा वा कि बैकग्राउंड की चल रहा वा। ईवन कोई मैंबर ऑफ पार्लीमेंट भी है कैनेडा च, वह भी इनफॉर्मेशन ही रखते कि इन रियलिटी की हो रहा वा। पर जो मैनू लगता वा अंदेशा वो आ, क्योंकि कोविड के केसिस की जी सब तो बुरी हालात सी वह क्यूबिक में ज़्यादा सी, खास तौर पर मॉन्ट्रियल, दूसरे नंबर पर टोरंटो के, और जिहड़ा सब तो ज़्यादा ये बारे फ्लाइट्स को रोकने के उपर या कोई भी नॉन एसेंशियल वर्कर उत्थे ना आए, यदा सब तो बाद जो शोर शराबा किया क्यूबिक के चीफ मिनिस्टर साहब ने किया, और जोड़ा ये $2,000 का हूँ ये लग्या वा कि कंडीशन लगी, जिसे थोड़ा तो जाके पहुँचने तो बाद 3 दिन गवर्नमेंट अपरूव्ड होटल के रहना पैंदा वा, जिसका खर्चा अप्रोक्सीमेटली $2,000 आ जाता वा। ये भी उन्हों की वजह करके ही, उन्होंने प्रेसर करके ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनू चालू किया, ताकि घट तो घट लोग जोड़े वो डिसकरेज हो और घट तो घट लोग कैनेडा के एंटर कर, खास तौर पर क्यूबिक के। सो दिस कुड बी अनदर रीजन कि जिदे करके रिजल्ट ने थोड़े जे स्लो ने इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ कैनेडा, जगह आप गल करिए। बट आई एम वेरी होपफुल कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ अप्रैल के आप रिजल्ट जरूर क्यूबिक के थोड़े जे स्ट्रीमलाइन होते हुए नज़र आएंगे। आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी पैनिकी सिचुएशन हैगी स्टूडेंट्स लिए, बट लाइक आई टोल्ड यू, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये डिसीजन गवर्नमेंट का ही होंगे वा,
और क्योंकि नवंबर तो बाद जी कोविड की सिचुएशन सी काफ़ी खराब होनी शुरू हो गई सी कैनेडा दे विच। मैं तो ये 3-4 महीने कैनेडा च ही रहा वहाँ और मैं देखी है हूँ जब मैं कैनेडा तो आया भी ट्रैवल करके सिर्फ एको ही फ्लाइट सी पूरी एयरपोर्ट के उपर जबकि वैंकूवर का किड्डा वड्डा एयरपोर्ट आ कोई भी होर फ्लाइट नहीं सी और गिनती के पैसेंजर से प्लेन के ईवन न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के उपर भी बहुत गिनती के लोग सके सिर्फ एक फ्लाइट साड़ी सी और एक फ्लाइट उस तो बाद होर थोड़े वक्त बाद उतरी सी। तो अंदाजा लगा सकते हो कि कोविड की सिचुएशन कितनी ग्रिम हैगी है कैनेडा दे विच। बाकी क्योंकि वो गवर्नमेंट के कोल मेडिकल फैसिलिटीज उस लैवल की नहीं है जो साढ़े को इतने है उन्नी लार्ज स्केल से नहीं है तो थोड़ी जी पैनिक स्टेट भी हैगी उ तो यह भी एक रीज़न हो सकता जिसे करके एयर चल थोड़े जे डिलेड होंगे हुए नज़र आ रहे हैं। बट सी डी आई कॉलेज लिए एक जी उन्होंने स्टूडेंट ने उन्होंने मैं लगता है कि काफ़ी उम्मीद आ कि उन्होंने रिजल्ट हूँ बहुत जल्दी स्टूडेंट्स रिजल्ट आते हुए नज़र आने। दूसरी आप गल करते हैं ट्रैवल में लैके मैं लास्ट वीडियो भी गल की मैं एक वीडियो एक्सट्रा होर बनाऊंगा नैक्सट टाइम ट्रैवल का तुम्हें खास ख्याल रखना वा हूँ जीडिया कंडीशन ने खास तौर पर 3 दिन होटल दियाँ वह बहुत खास ख्याल रखना वा प्री बुकिंग करा के जानी है सिंपली पासपोर्ट आने तो बाद आपकी तुम टिकट बुक नहीं करवानी उत्थे जाके अगर तुम होटल बुक कराने की कोशिश करते हो वो एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा पैंता वा दूसरा जी गवर्नमेंट वह भी थोड़े से बहुत चंगे होंगे वा कि थोड़े से वो फाइन इंपोज कर सकते हैं। इस करके ट्रैवल का जोड़ा है वा तो बहुत खास ख्याल रखना वा आपके कॉलेज इंस्टीट्यूशन गल कर तो बाद और 3 दिन का जोड़ा मैंडेटरी गवर्नमेंट होटल का स्टे आना प्री बुक करने बाद ही आपकी जी फ्लाइट आ बुक करनी है। तीसरा स्टूडेंट्स पूछते हैं जिन्ह स्टूडेंट्स की ऑलरेडी PPR आ गई है जब तुम वैब फॉर्म आप फिल करते हैं VFS का उस बहुत डिलेड आ जरा पेमेंट का लिंक आ 8 to 10 days लै रहा वा इस टाइम के उपर तो वरी करने की लड़ नहीं। हाँ तुम दोबारा आपकी क्वेरी जरूर रेज कर सकते हो पहला 2 या 3 दिन के आ जाते हैं पर इस टाइम जो देखने लग मिल रहा वा 8 to 10 days बहुत सारे केसिस के जरा VFS आ पासपोर्ट पिक कर पेमेंट लिंक भेजन ही ना वक्फा लगा रहा वा। बाकी मई जुलाई तो सपटंबर इनटेक एडमिशन ओपन ने एंटायर कैनेडा के असी एप्लीकेशन एक्सैप्ट कर रहे हैं तुम मैं मिलना चाहते हो फेस टू फेस जरूर अपनी प्रायर अपॉइंटमेंट लैके जलंधर ऑफिस के सू मैं मिल सकते हो साढ़े एड्रैसिज इस प्रोग्राम के फ्रंट से भी डिस्प्ले हो रहे हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन भी है साड़ी वैबसाइट हैगी imcanimmigration.com उत्थे एड्रैसिज चैक करके मैसेज बॉक्स में मैसेज भी पा सकते हो सानू और मैं मिलना चाहता मैं दसिया प्रायर बुकिंग लैके प्लीज़ जरूर आके मिल सकते हो। जाने तो पहला गुजारिश करूँगा कि साड़ा यह यूट्यूब का चैनल सबसक्राइब करो साड़ा फेसबुक पेज लाइक करो असी रेगुलर अपडेट्स होर भी स्टूडेंट वीजा लैके तो देंगे होप इनफॉर्मेशन सारे यूजफुल होगी। थैंक यू सत श्रीकाल सारा।